दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एपिसोड नंबर 89 के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से उसे पैसों की जरूरत थी, तो उसने लाइव स्ट्रीम पर एक गाना गाकर दिखाया जिसके कारण उसे 50,000 युआन कमा लिए थे। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर वो अपने उन प्लानिंग्स को देख रहा होता है किस तरीके से वे 10 मिलियन युआन इकट्ठे कर सके समय से पहले। और इसने अपना पहला नंबर प्लान था उसका किसी से उधार लेना, दूसरा था अपनी बॉडी का तो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकता, और तो और उसने वेई नान को अपना फोटो भी भेजा जिसके कारण उसे 1 मिलियन युआन भी मिले थे। और वो सुबह जागकर ये कैलकुलेशन करने में लगा कि अभी पास मेरे पास कितने पैसे बचे हुए हैं उसे चुकाने के लिए। यहाँ पर हमें बताया था कि लाइव करके और उसे 5 मिलियन मिला, 50,000 मिला, और एक फ़ोटो भेजकर वेई नान को उसे 1 मिलियन मिला। और उसकी आंखें कतई ऐसी लग रही होती हैं जैसे कि किसी ने इसमें चिमटा लगाकर खोल के रखा हो पूरी रात भर। और वह कहने लगता है कि आज का दिन भी इसी तरीके से मेरा गुजरेगा पैसा कमाने के लिए। तभी वह अपना मोबाइल उठाता है और कहने लगता है कि मैंने 2 दिन पहले गाना गाया था जिसका अफेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी ऑडियंस है वो कुछ नया ट्राई करने के लिए ज़्यादा पसंद करती है। तभी वह सिस्टर सॉन्ग को कॉल लगाता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए, चलो इस मॉनिटर को कॉल करते हैं और पूछते हैं क्या ये कि मुझे कोई अच्छी टिप्स दे सकती है। तभी सिस्टर सॉन्ग को कॉल लगाता है, सिस्टर सॉन्ग बोलती है, यो कैसे हो ब्रदर, मैंने इस बात की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि हमारे जो मेल गॉड वो मुझे खुद से कॉल करेगा। तभी हाँ उससे पूछने लगता है, खैर ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे ये पूछना था कि तुम्हारे पास कोई अच्छा सजेशन है मेरी लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए, खासकर उन चीज़ों को छोड़कर वो क्यूट ऐसी हरकतें करना और अपनी बॉडी बेचना। तभी सिस्टर सॉन्ग उसे बताती है और कहने लगती है, तुमने जो 2 दिन पहले गाना गाया था उसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेटर था, अगर तुम और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगी, अभी जो नया गेम रिलीज हुआ है तुम उसे ट्राई करके देखो। तभी उससे कहने लगता है, ज़रा 1 मिनट रुको, मैं अभी मोबाइल खोल कर देखता हूँ, कंप्यूटर ओपन करके देखता हूँ सॉरी। और उससे कहने लगता है, तुम उसे उस गेम की लिंक भेज सकते हो, यहाँ पर हमें बैटल ग्राउंड की लिंक भेजी जाती है भाई, तो कौन कमेंट में जरूर लिख कर बताना कि कौन कौन BGMI खेलता है। गाइस BGMI पबजी बात तो एक ही है, कौन कौन खेलता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तभी सिस्टर सॉन्ग उसे लिंक भेजती है और उससे कहने लगती है, इस गेम का खुद का एक ट्रैफिक है और काफ़ी ज़्यादा जो एंचर्स है वो इस गेम की तरफ ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं, और ये गेम काफ़ी ज़्यादा हिट पकड़ रहा है समय पर, और इसके FPS भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं बॉयज़ के लिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी हैं क्योंकि इस दुनिया में जो बॉयज़ है वो नहीं खेल पाते इस गेम को, लेकिन हमारी दुनिया के जो लौंडे लोग हैं वो पबजी में तो भाई प्रो बन चुके हैं प्रो। और हाँ उससे कहने लगता है, मैं आज रात को इस गेम को ट्राई करूँगा, अगर किसी तरह के ऐड का कोई प्रमोट करना हो या कुछ ऐसा करना हो तो मुझे ज़रूर बताना, और तुम मुझे थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकती हो। और तभी सिस्टर सॉन्ग कहने लगते हैं कि जो 2 दिन पहले तुमने गाना गाया था उसके कारण जो तुम्हारी पॉलिटी है पॉपुलरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो आज रात को जब तुम लाइव ब्रॉडकास्ट करोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक जगह ढूंढ लूँगी होम पेज पर, ताकि ये तुम्हारे होम पेज पर तुम्हारी रिकमेंडेशन जाए हर यूज़र पर जो भी देखना चाहता है ब्रॉडकास्ट। और उससे कहने लगता है, हाँ अब जबकि हमारी डील हो चुकी है तो मैं जब ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करूँगा आज रात को तब मैं तुम्हें एक मैसेज भेज दूँगा, सो अभी के लिए मोबाइल मतलब कॉल काटता हूँ। और इस तरीके से उसकी डील उससे निपट जाती है। और इस गेम को चेक करने के बाद हमारा और कहने लगता है, क्या ये गेम उस जैसा नहीं जो मेरे वर्ल्ड में हुआ करता था जिसका नाम प्लेयर अननाउन बैटल ग्राउंड था इसका नाम पबजी है, BGMI चल रहा है हमारा, पबजी बंद हो गया। तो गाइस कौन कौन खेलता है BGMI बताना ज़रूर, हमने तो खेलना चालू कर दिया, क्या आप खेलते हो? तभी यहाँ पर नाइट का सीन दिखाया जाता है, तभी वो अपनी लाइव ब्रॉडकास्ट ऑन करता है और सभी का स्वागत करता है। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तभी वो सभी को बताता है कि आज मैं किसी भी तरह गाना नहीं गाने वाला, आज मुझे एक नया गेम मिला है तो हम उस गेम को ट्राई करेंगे। जितनी भी कमेंट में लोग होते हैं वो कमेंट करना चालू कर देते हैं और कह लगते हैं, अच्छा ठीक है चलो ट्राई करते हैं, किस तरह का गेम खेलना चाहते हो तुम, क्या आज हमारे अनचोड़ ने यानी कि स्ट्रीमर ने नया गेम ट्राई कर रहा है, जो पहले के गेम थे उसे देखकर मैं काफ़ी थक भी चुका था, चलो देखते हैं आज तुम क्या करते हो मेल गॉड हमारे। और इस तरीके से इसकी लाइव ब्रॉडकास्ट को बूस्ट मिल जाता है। यहाँ पर कुछ तो लौंडियाँ होती हैं, लौंडे जो भी होती है जिन्हें पता नहीं कौन है कमेंट करके तो बोले जा रहे हैं हाँ उसे कि तुम्हारा जो गेम प्ले था वो एकदम खराब हो गया इसमें फलाना ढिमकाना, लेकिन हाँ बोलने लगता है चलो देखते हैं किसमें है कितना है दम, पता चलेगा कौन यहाँ पर प्रो है और कौन नूब। और फिर कहने लगता है चलो मुझे मिलिट्री बेस पर कूदने दो, तब पता चलेगा कि यहाँ पर मुझे कुछ लूट मिलती है या नहीं। और कमेंट करते हुए लोग कहने लगते हैं, क्या तुम मिलिट्री बेस पर जाना चाहते हो, तुम इस बात से डरते नहीं हो कि जो बाकी के एंचोर्स है वो तुम्हारा टारगेट बनाकर तुम्हें पेल देंगे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हाउ को, जो कि भाई एक्चुअली क्विजी गन है यार, अरे तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है गन्स के बारे में, लेकिन जो जिसको भी पता चल रहा हो ना तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तभी हाउ गन पकड़ते हुए लगता है और बताता है सभी लोगों को, कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं गन चला नहीं सकता, चलो अब देखते हैं उनकी हालत किस तरीके से की जाती है। और वो सभी को मारना चालू कर देता है, यहाँ पर उसके जो रिकॉर्ड होता है उसने 17 बंदों को मार दिया और 13 लाइव है, ऐसा लग रहा है ये तो कतई हैकर है। और जितने भी लोग होते हैं वो कह लगते हैं ये अनचोर तो वाकई में बहुत ज़्यादा औसम खेलता है यार भाई, आखिरकार हमारे BGMI के प्रो बंदा जो ठहरा। और मन में सोचते कहने लगता है कि मैंने दिन में इस गेम को काफ़ी ज़्यादा खेल लिया है, तो मेरे जो फील था पिछले जन्म का वो इसमें आ चुका है वापस से, और मैं तो कतई प्रो वाले फीलिंग आ रही है मन में। अब देखो मेरे को चिकन डिनर पर चिकन डिनर मिले जा रहे हैं और वो एक एक करके सबको मारना जा रहा है। तभी शेक में एक बंदा दिखता है
और वो उस बंदे को भी ऐसे ऐसी मार देता है, यहाँ पर चिकंडर ले लेता है। और इसके जो किल्स थे वो 21 थे सोलो किलर। और यही एक्साइटमेंट देखो बंदे की बीजीएमआई का चिकंडर लेने के बाद। और क्या लगता है आज का जो लाइव स्ट्रीम था काफी तो बेटर गया, तो हम लोग जरूर फिर मिलेंगे। और उसकी पॉपुलरिटी पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और उसकी कमेंट तो खुद ही भरी पड़ी रखी है। और जहाँ पर लोग कमेंट कर रहे होते कि हम लोग होम पेज से आए हुए हैं क्योंकि उस वेबसाइट वालों ने तुम्हारी स्ट्रीम को होम पेज पर डाला हुआ था कि यह सच है कि तो यह जो मेल गॉड है वो यहाँ पर पहली बार खेलने में लगा उस गेम को। मुझे तो इस बात का डर था कहीं ये वही गाना गाने वाला अंचर ना निकले जो बाकी सब करने में लगे हुए थे, लेकिन यहाँ तो बात अलग ही चल रही है। ये तो एक लड़का है जो कि बीजी में ही खेलने में लगा हुआ है। और जरा इस बंदे को देखो सर, इसने लगातार 3 चिकंडर निकाल लिए। या तो जी वॉइस चेंजर का इस्तेमाल कर रहा है, कोई लड़की है जो लड़की की आवाज़ में बात करके गेम खेल रही है, और कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। ये बात सुनने के बाद हाव का दिमाग सटक जाता है और कोई लगता है आखिरकार ये जेंडर को लेकर इतने ज्यादा क्वेश्चन क्यों करने में लगे हुए कि मैं बस एक नया गेम ही तो खेल रहा हूँ, तभी भी अपना मास्क पहनता है और अपना कैमरा ऑन करते हुए लगता है। आज मैं अपना फेस कैम तो नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन कुछ लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो मैं आज अपना फेस तो मैं दिखा देता मास्क पहनकर। खैर तो मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया है और कह लगता है चलो आज मैं दिखाता हूँ कि आज मैं कितने ज़्यादा चिकन डिनर निकाल सकता हूँ बॉय के तौर पर। और वो गेम खेलना चालू कर देता है बीजीएमआई। और दूसरी तरफ जो सिस्टर क्वीन होती है वो भी उसकी लाइव स्ट्रीम देख रही होती है और उसका दिमाग कहीं सटक रहा होता है धीरे धीरे करके, क्योंकि जो हाओ की ब्रॉडकास्ट की पॉपुलरिटी वो काफ़ी तक बढ़ती जा रही है। और सिस्टर क्वीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, वो सिर्फ अपने लिए उसे मोनोपलाइज करना चाहती थी। तभी वो भागते हुए आती है हाओ के रूप में और उसका दरवाजा नॉक नॉक करती है और हाओ उसे परमिशन देते थे अंदर आने की। और उसकी लाइव ब्रॉडकास्ट के बीच में खड़ी हो जाती है और कहने लगती है क्या हाओ को यहाँ पर भूख लगने में लगी हुई है, तुम्हारी सिस्टर नूडल्स बनाए हुए क्या तुम खाना चाहोगे। और उसे कहने लगती है एक बार तुम नूडल्स खा लो तो तुम ईमानदारी से अपने बेड पर सोने के लिए चले जाना। और उसको पैट करने लगती है उसके सर पर, भाई कोई पप्पी पप्पी समझ रखा है इसको। और भरा हमारे हाव भैया को देखो तो कभी शर्मा के लाल हो गए टमाटर की तरह। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चैट पर कभी भब्बर मच चुका होता है, यहाँ पर कमेंट करके कह रहे होते जरा इस लिटिल ब्रदर को देखो सर इसके पास कितनी ज्यादा क्यूट सिस्टर है। भाई अपने लड़की नहीं है ये लड़की है, ये जो लड़के से चढ़ रही है तो समझ गए होगे गाइस। यहाँ पर एक बंदी करके मैसेज भेजती है और कहने लगती है तुम्हारी सिस्टर वाकई में ज्यादा अनोइंग है, क्या तुम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। जो सिस्टर के एक्सप्रेशन है पेट करने के बाद हाव के एक्सप्रेशन देखते को मिलते हैं, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि सच में इसका यंगर ब्रदर या फिर कुछ और कारण चल रहे हैं। और सब लोग उस फॉरबिडन लव के बारे में बात करने लगते हैं और हाँ उससे कहने लगता है आखिरकार तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरी सिस्टर है। लेकिन ये बात करने नहीं देती है और सिस्टर बीच में सिस्टर को बीच में बोल पड़ती है, उसे रोक देती है और उसे जलाते हुए सभी लोगों को कहने लगती है तुम लोग क्या सोचते हो कि हमारा जो मैच है वो काफ़ी तो अच्छा है। भाई साहब जो इस समय पर इसके एक्सप्रेशन होते हैं ना कतई दिमाग हिलाने वाले होते हैं, हमारे व्यूअर्स लॉन्डे तो साले सबके साथ मिल गए और जिस तरीके से व्यूअर्स को जलाने में लगी है इससे साफ साफ पता चलता है ये जानबूझ के हरकतें करने में लगी हुई है। तो खैर आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही, आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और भाई इसने जलाने वाला एक्सप्रेशन तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। खैर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही और कमेंट करके जरूर बताना और बेल आइकन को ऑल पर रोटेट कर दीजिएगा। तो बाय बाय आज के लिए इतना ही, बाय बाय।